नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद, मेरी पिछली व्लॉग्स को, मेरी पिछली वीडियोस को आप लोगों ने काफ़ी सराहा, लाइक्स मिले, शेयर किया आप लोगों ने और सब्सक्राइब मिले, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आज का जो ब्लॉग है हमारा वो कृषि मौसम से संबंधित है, कृषि पर मौसम का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, ठंड का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन सारे संबंध में जो है आज जानकारी देंगे हमारे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर चेतन कुमार भट्ट जी। ये आप देख सकते हैं, ये मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है जहाँ से हमें कृषि मौसम से संबंधित जानकारी मिलती है। सबसे पहले तो धन्यवाद डॉक्टर भाकुनी जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं आज किसानों के बीच में आके थोड़ा रूबरू हूँ और जो मौसम और उसका जो प्रभाव रहता है फसलों को उसके बारे में थोड़ी आपकी जानकारी दूँ। उससे पहले हम थोड़ा सा आज बात करेंगे हमारे एग्रो दिस ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के बारे में, जो कि हमको अपने आप मौसम के विभिन्न कारकों की जानकारी देता है। ये जो हमारा वेदर स्टेशन है ये अभी हमारे सितंबर 2021 में एस्टेब्लिश हुआ है और ये मेरे अंडर ही काम करता है, पिथौरागढ़ जिले के लिए है और बेसिकली जो भारत मौसम विज्ञान विभाग और रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर देहरादून के माध्यम से ये हमारे इस कृषि विज्ञान केंद्र में स्थापित किया गया है। अब थोड़ा सा हम अंदर चलेंगे इस गेट को खोल के कि कैसा क्या इसका वर्किंग सिस्टम रहता है। तो अभी ये जैसा आप देख रहे हैं पूरा एक टावर है, ये 10 मीटर का मास्ट है, इसको मास्ट बोलते हैं इंग्लिश में और ये इसको बेसिकली हम आजकल तो जानते हैं कि पोली कहा जाता है, बट जो टेक्निकल टर्म है मास्ट। इसमें विभिन्न प्रकार के सेंसर लगे हैं कि आप वायु का वेग कैसे नापेंगे, सापेक्षिक आर्द्रता कैसे नापेंगे, कैसे आप सनशाइन को नापेंगे जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सनशाइन मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद हम वर्षा कैसे नापेंगे, क्योंकि अगर हम कारकों की बात करें फसलों में तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मौसम के दो कारक, एक वर्षा दूसरा तापमान, वो फसलों के उगने से लेके मतलब मैं तो कहूँगा बीज सोन जब हम लोग बोते हैं वहाँ से लेके और स्टोरेज तक, ये दो कारक बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। अब हम बात करें कि अब वर्षा नापी कैसे जा सकती है, क्योंकि भाकुनी जी हमारे बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, वो आपको बताते ही रहते होंगे, तो मैं आज आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा कैसे हम नापते हैं उन चीज़ों को। तो वर्षा कैसे नापी जाती है, वर्षा के लिए हमारे पास यंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं रेन गेज। और अगर हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की बात करें तो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में जो रेन गेज यूज़ होता है वो टिपिंग बकेट टाइप ऑफ रेन गेज यूज़ होता है। इसके अंदर दो छोटी छोटी बकेट या बाल्टी लगी रहती है जिनकी कैपेसिटी होती है 0.5 mm, अभी हम आपको उसको दिखाएंगे भी, 0.5 mm होती है। तो जब वर्षा होती है तो एक बार टिप करने का मतलब है कि हमारे उस क्षेत्र में 0.5 mm वर्षा हो गई है। इसी तरह अगर दूसरी टिप हुई तो 1 mm, मतलब 0.5 जुड़ते चले जाते हैं। तो वो जो यंत्र ये आप नापने वाला है वो ये है, इसको बोलते हैं टिपिंग बकेट बास्केट टाइप ऑफ रेन गेज, विच इज़ जो कि यूज़ होता है आपका ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में। ये इसके अंदर एक जाली लगी रहती है, इस जाली को का लगाने का मकसद ये है कि इसमें धूल के कण ना जाएं और एक छोटा सा छेद होता है जिसमें पानी जाता है, नीचे जो अंदर बकेट लगी हुई है उसमें पानी जाता है और वही नापता है इस चीज़ों को। अब इसी के सीक्वेंस में हम अगर हम बात करें कि अब और क्या क्या कारक हैं हमारे मौसम के, तो उन कारकों को अगर आप देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर टेम्परेचर की और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की। तो उसको नापने वाला यंत्र है ये जो यहाँ पे सफ़ेद कलर का लगा है, ये है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर। अब हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी, कन्वेंशनल ऑब्जर्वेटरी थोड़ी सी इससे अलग होती है, उसकी भी जानकारी हम आप कभी हमें मौका लगा तो हम आपको आने वाले ब्लॉग्स में देंगे। तो ये है टेम्परेचर सेंसर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर। अब टेम्परेचर जैसे मैंने बताया कि फसलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेम्परेचर, हर फसल की एक तापमान की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हम सेब की बात कर लें या कीवी की बात कर लें तो इनके लिए हमको क्या चाहिए होता है, एक चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। चिलिंग रिक्वायरमेंट क्या है, वो टेम्परेचर जिसमें कि उस प्लांट में फल आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, पूर्वानुमान के लिए। पूर्वानुमान क्या है, फोरकास्टिंग, ताकि हम आपको पहले से ही बता दें
कि आप किस तरह की फसल अपने खेत में ले सकते हैं या आप क्या चीज़ें शुरू कर सकते हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में आगे है हमारा सनशाइन रिकॉर्डर। ये छोटा सा आपको ग्लास दिख रहा होगा, ग्लास के अंदर सनशाइन रिकॉर्डर है। सनशाइन रिकॉर्डर आपने देख लिया है, तो ये जो है हमारी सुबह से लेके शाम तक कितना हमारी जो लैंड है उस पर कितना हमारा, या हमारे जो पौधे हैं उन पर कितना हमारा सूर्य का विकिरण पड़ा हुआ है, सोलर रेडिएशन पड़ा हुआ है। तो अगर हमारा जो सोलर रेडिएशन है 120 वाट पर मीटर स्क्वायर से अगर कम होता है तो ये ना बंद कर देता है और वो शो करता है ज़ीरो, क्योंकि जो 120 वाट पर मीटर स्क्वायर की जो लिमिट है वो मानकों के हिसाब से अगर उसके नीचे जाता है तो ये ज़ीरो शो करेगा। अब इसकी क्या, हमारा सोलर रेडिएशन किस काम आता है, फोटोसिंथेसिस के काम आता है, क्योंकि उसमें प्लांट में क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को इस्तेमाल करके अपने लिए खाना बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, आपको कुछ काले काले से दिख रहे होंगे ऊपर, ये थोड़े छोटे से लगे हुए, एक टक सा ऊपर भी दिखा दीजिए, सबसे टॉप में भी लगा हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और सबसे ज़्यादा मॉडर्न अभी तक के विंड सेंसर हैं, इनको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक विंड सेंसर। अल्ट्रासोनिक विंड सेंसर का मतलब, जैसे अपने नाम में छुपा रहा है, अल्ट्रासोनिक मतलब कि आवाज़ की गति के हिसाब से ये अपना वायु के वेग को मापते हैं, इसी के साथ साथ ये वायु की दिशा को भी मापते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस टावर से हमको मिलती हैं। अभी यहीं पे डॉक्टर थोड़ा सा नीचे की साइड दिखा दीजिए, यहाँ पे जो ये आपको पॉइंट दिख रहा है मेरे पैर के नीचे, यहाँ पे हमारे चार सेंसर और लगे हुए हैं इसके अंदर। ये पाइप गई है उसकी, यहाँ से ये पाइप इस डब्बे के अंदर गई हुई है, तो ये डब्बा, इसके अंदर एक माइक्रो लॉगर लगा हुआ है, और जितने भी आपने अभी तक यंत्र देखे ये सारे यंत्र इस माइक्रो लॉगर से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारा जो मौसम का डेटा हर 15 मिनट के अंतराल पर रिकॉर्ड करता रहता है। इसी के साथ ये डेटा इस एंटीना के माध्यम से डायरेक्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग, रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर देहरादून और भारत मौसम विज्ञान विभाग पूना तक जाता है। अब हम बात करें तो ये सारा का सारा जो डेटा है इस कंप्यूटर में आता है। जो हम सॉइल सेंसर की बात कर रहे थे, सॉइल सेंसर हमारा मृदा की नमी और मृदा का तापमान अलग अलग डेप्थ में नापता है, 10, 20, 70 और 100, ये 4 सेंटीमीटर पे, सॉरी 10, 20, 70, 100 सेंटीमीटर पे हमारे सारे सेंसर लगे हुए हैं। तो ये सारे सेंसर का जो डेटा अभी तक हमने जितने भी रेन गेज, सनशाइन रिकॉर्डर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये सारे जो हमने सेंसर देखे, ये सारे सेंसर का डेटा इस माइक्रो लॉगर के अंदर आता है। तो इस माइक्रो लॉगर के अंदर सारा डेटा आने के बाद हम इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करके अपने किसान भाइयों के लिए एडवाइजरी जारी करते हैं। वो एडवाइजरी क्या रहती है, सपोज़ मान लीजिए कि अगर बरसात होने वाली है और हमारे किसान भाई ने किसी ने स्प्रे करना चाह रहा है, फर्टिलाइज़र डालना चाह रहा है अपने खेत में, तो हम कहते हैं कि अभी रुक जाइए, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद डाल लीजिएगा। तो किसान भाई का क्या होता है, उससे एक तो इनपुट की बचत होती है, दूसरा उसके समय की बचत हो जाती है, और इनपुट ख़राब होने से भी बच जाता है। अगर उसी किसान भाई को अगर मान लीजिए अपने खेत में सिंचाई करनी है, उसको पता है बरसात होने वाली है, तो वो सिंचाई नहीं करेगा खेत में, वो क्या है, वर्षा आधारित हो जाएगा, उसका सिंचाई का पैसा बच गया, उसका लेबर बच गया, उसका कॉस्ट बच गई। तो ये सारी चीज़ें पूर्वानुमान अगर हम यूज़ करते हैं, तो इस पूर्वानुमान को अगर हम यूज़ करके या इस एग्रोमेट एडवाइजरी को यूज़ करके अगर हम खेती करते हैं, तो ये वैज्ञानिक पद्धति पे खेती कहलाती है। और इस ब्लॉग के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसान भाई, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, कृपया एग्रोमेट एडवाइजरी को यूज़ करें। एक ऐप है भारत सरकार द्वारा डिज़ाइन करी हुई, जिसमें हम एडवाइजरी डालते हैं, उस ऐप का नाम है मेघदूत, और ये IMD द्वारा बनाई गई है, IMD और ICR दोनों ने मिलकर बनाया है, संयुक्त पहल है। तो आप लोग इसको कृपया यूज़ करिए, और जिन लोगों को ऐप के साथ साथ अगर उनको वेबसाइट भी जाननी, तो imd.agrimet पे जाके आप कहीं की भी एडवाइजरी देख सकते हैं, उसके ऊपर से आपको कॉलम मिल जाएगा एडवाइजरीज का,
नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल के एडवाइजरीज रहेंगी उसमें, तो आप किसी भी क्षेत्र की एडवाइजरी उस वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। आप सबको मेरा धन्यवाद।